नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार। सत्य आपको पता है कि मैं उद्यमी योजना से रिलेटेड जो ऑथेंटिक बातें होती है, जो ऑफिशियल नोटिस होता है, उसी पर मैंने चर्चा करता हूँ। मेरे द्वारा जो भी नोटिस हो या जो भी न्यूज मैं आपको उद्यमी योजना के बारे में मैं देता हूँ, 100% सही होता है। भले ही वो थोड़ा मान लेते हैं कि यहाँ पर देखे थोड़ा दिक्कत है ना, दे रहे हैं दोस्त आए है ना। तो यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत चयनित लाभुकों का प्रथम चरण प्रशिक्षण उपरांत एवं प्रथम किसका उपयोगिता प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत उपयोगिता सही पाए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि 345 लाभुकों के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों जैसे उद्यमिता विकास संस्थान पटना और एक है भारतीय प्रबंध संस्थान जो बोध गया, दो ऐसे सेंटर है जहां पे उनका पेमेंट आने वाला है द्वितीय किसका। क्योंकि पहले क्या होता है कि पहला किसका इनको अगर पता नहीं है तो वो पहले पहला किसका किससे पहले आपको एक ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग के बाद आपको जब पेमेंट आपका आता है तो उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है, उसके बाद द्वितीय चरण का प्रशिक्षण होता है। तो ये 345 लोग वैसे हैं जिनका हाल ही में द्वितीय चरण का प्रशिक्षण हुआ है, यानी द्वितीय किस के लिए दूसरा फेज का हुआ है। आपको मैं बता दूं कि दो बार ट्रेनिंग होता है, पहला किस मिलने से पहले और द्वितीय किस मिलने से पहले। तो वही है 345 लोग। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो उद्यमिता विकास संस्थान है जिनका प्रशिक्षण हुआ था 11 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर के बीच में हुआ है, 247 आवेदक थे जो उद्यमिता विकास संस्थान में, उनका पेमेंट आने वाला है। अब है कि एक है कि भारतीय प्रबंध संस्थान बोध गया, उनका ट्रेनिंग हुआ था 18 सितंबर 2023 से 23 सितंबर 2023 तक, कुल 98 कराया गया। इस प्रकार द्वितीय चरण में कुल 345 लाभुकों का प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सूची उपलब्ध कराया गया है। अब यह प्रक्रिया क्या है, अब इसमें हालांकि यहाँ पे बताया गया है कि जब ट्रेनिंग होता है तो ये ट्रेनिंग का जो आपका सूची है वो जिला उद्योग केंद्र में भेजा गया है, तो वही 345 लोगों का प्रशिक्षण संस्थान संबंधित जो जिला उद्योग केंद्र है वहां पे 345 का लिस्ट भेजा हुआ है। इसके बाद अगला पढ़िए, उक्त प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त सूची, यहाँ पर जो ट्रेनिंग जो जहाँ पे होता है वही बताया गया है कि उक्त जो प्रशिक्षण संस्थान है उक्त प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त सूची के आधार पर कुल 345 लाभुकों को द्वितीय किस्त की स्वीकृति महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के स्तर से करने हेतु लाभुकों की सूची संलग्न कर संबंधित महाप्रबंधक को प्रेषित की जा रही है। तो आपको ये जानकारी मिल गया है कि 345 जिनका जो उद्यमिता विकास संस्थान और जो बोधगया में जिनका प्रशिक्षण हुआ था उनका 345 लोगों का प्रशिक्षण संस्थान संबंधित जो भी महाप्रबंधक है जिला उद्योग केंद्र वहाँ पे लिस्ट आपका भेज चला गया है। उसके बाद संबंधित महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को निर्देश दिया जाता है कि संलग्न जो सूची है उसके आधार पर 345 लाभुकों को द्वितीय किस्त का स्वीकृति आदेश जो है, स्वीकृति आदेश का मतलब होता है सेंशन लेटर होता है, उसको आपको जब ये सेंशन लेटर आपको DIC से मिल जाएगा, तो जब सेंक्शन लेटर मिल जाता है उसके तीन कार्य दिवस के अंदर निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। तो जैसे पहला केस में आप लोगों का सेंक्शन लेटर किसी का मिला है किसी का न भी मिला है, लेकिन अधिकांशतः सेंक्शन लेटर मिलता है। सेंक्शन लेटर में पूरा कैसे कैसे खर्च करना है उसके बारे में शपथ कहीं ना वैसा टाइप का रहता है। उसके बाद वैसे ही बताया गया है कि द्वितीय किस्त का भी जो सेंशन लेटर है वो आपको मिलेगा,
तो कहाँ से मिलेगा? डीआईसी से मिलेगा। और जब सेंशन लेटर आपको जारी हो जाएगा, सेंशन लेटर जारी होने के 3 दिन के बाद आपका पेमेंट आ जाता है। अब आपके मन में होगा कि सर आप बताइए कि अनुमानता कब तक पेमेंट आ जाएगा। हमें लगता है कि बहुत का पेमेंट द्वितीय किस्त का जिनका जो प्रशिक्षण हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं उद्यमिता विकास संस्थान में और ये भारतीय प्रबंध संस्थान बोधगया में, उनका प्रशिक्षण से अगर सेंशन लेटर मिल गया होगा तो हमको लगता है कि पेमेंट आपको आ गया होगा। अगर पेमेंट नहीं आया है तो कम से कम आपको 5 तारीख तक वेट करना है, 5 तारीख तक आपको पेमेंट आ जाएगा। आई होप जो भी आपको डाउट है कमेंट में ही आपको जवाब दिया जाएगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का जो कांटेक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दिया जाएगा। फॉर्म भरवाने के लिए, उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपका एक भी मिस्टेक नहीं होगा, 100% आपका काम हो जाएगा। और जब आप आज मान लेते हैं कि फॉर्म आप देंगे का हम रिसीविंग सब चीज़ दे देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उतना डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी है क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारा काम हमको रहता है, आप कॉल हम करके आप डिस्टर्ब करेंगे, तो इसीलिए मैं अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर किसी को नहीं देता हूँ। तो ये फोन पे गूगल पे है और व्हाट्सएप नंबर उसी नंबर से चला जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है, UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।